हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। टू टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल ऑफ द सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज। करंट फ्लोइंग इन देम प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इच। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से क्या होगा? नाउ तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर गैल्वेनोमीटर, हम लोग को मालूम है आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के इंटू टेन थीटा। ओके, नाउ फॉर फास्ट कॉयल, फॉर फास्ट कॉयल मतलब फास्ट गैल्वेनोमीटर, फॉर फास्ट गैल्वेनोमीटर इट इज आई वन इक्वल टू के वन इन टेन थीटा, थीटा वन। तो टेन थीटा वन इज टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है इट इज रूट थ्री। ओके, नाउ फॉर सेकेंड गैल्वेनोमीटर मीटर आई टू इक्वल टू ए टू इंटू टेन थीटा टू। इट्स जो वैल्यू होगा के टू ए टू टेन 45 डिग्री, इट इज ए टू। तो हम लोग को मालूम है इन सीरीज सीरीज आई वन इक्वल टू आई टू। ओके, तो आई वन जो है रूट थ्री के वन इक्वल टू के टू। ओके, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा के वन डिवाइडेड बाई के टू इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। ओके, नाउ हम लोग को यहाँ पे रेशियो निकालना होगा कि टू कॉइल्स का जो नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम लोग को मालूम है के के इस वेरीज वन बाई एन, तो यहाँ पे मिसिंग हुआ है के वन है के वन। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एन टू डिवाइडेड बाई एन वन इज के वन डिवाइडेड बाई के टू वन बाई रूट थ्री। ओके, तो एन जो है नंबर ऑफ टर्न, तो यार एन वन डिवाइडेड बाई एन टू इज रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन। ओके, तो यही हम लोग को पूछा गया था कि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो क्या होगा। तो यार आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन।